वैसे तो टाटा के ओवर थर्टी स्टॉक्स लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में और अनलिस्टेड में भी बहुत सारे बिजनेस लेकिन आज हम देखेंगे टाटा के टॉप कंपनीज जिनमें आप इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हो वीडियो अंत तक देखिए क्योंकि इन बिटवीन में काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूंगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि यूट्यूब आपको और मेरे बाकी व्यूअर्स को भी ये वीडियोस रेकमेंड करे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम टाटा ग्रुप का ओवरव्यू देखेंगे टाटा ग्रुप की 29 कंपनीज लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में कंपनी के ओवर इंटरेस्टिंग चीजेंट टाइम में अगर आप मार्केट कैप की वैल्यू निकालोगे टाटा ग्रुप की तो वो सारे पीएसयू गवर्नमेंट के पास जितने भी पीएसयूज है और ऑलमोस्ट टेन परसेंट ऑफ स्टॉक मार्केट है टाटा ग्रुप अपने फिलेंट्रॉफी के लिए काफी नामी है और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि टाटा सन्स जो जितने भी टाटा की कंपनीज है उनका होल्डिंग कंपनी है टाटा सन्स और इसका 66 परसेंट इक्विटी जो है कई सारे ट्रस्ट ओन करते हैं जैसे कि सबसे पॉपुलर है उनमें से रतन टाटा ट्रस्ट जमशेद जी टाटा ट्रस्ट आज ये वीडियो बनाने का सबसे मेजर रीजन ये है कि नटराजन चंद्रशेखरन जो टाटा ग्रुप के रिसेंटली चेयरमैन बने थे एक टाटा ग्रुप को लेके काफी अग्रेसिव हो गए हैं और जितने भी कंपनीज है टाटा की जो लॉसेस में थी जैसे कि टाटा मोटर्स टाटा स्टील उनमें वो टर्न अराउंड का कोशिश कर रहे हैं और जहाँ पे भी उनको लग रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आएगा उन चीज़ों को वो टर्न अराउंड करने की कोशिश कर रहे हैं सबसे पहली कंपनी है टाटा स्टील टाटा स्टील की अगर हम बात करें तो ये स्टील इंडस्ट्री को कैटर करती है और स्टील इंडस्ट्री में रिसेंट वन ईयर में काफ़ी अच्छा जंप रहा है और टाटा स्टील की बात करें तो इनके सबसे प्रोमिनेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो है टाटा एस्ट्रम टाटा स्टीलियम लवेनो टाटा फेरोमैग प्रिस ट्यूब टाटा वायरन टाटा एरिको तो ये जितने भी टाटा के प्रोडक्ट्स है ये अक्रॉस इंडस्ट्री यूज होते हैं मोस्टली डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कैटर करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं तो ये जो हॉट हॉट रोलिंग शीट और कॉयल है या कोल्ड रोलिंग शीट एंड कॉयल है इस तरह के ये अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में या फिर हाउसिंग इंडस्ट्री में कंस्ट्रक्शन में कई जगह ये यूज होते हैं टाटा स्टील की बात करें तो लास्ट वन ईयर में 214 परसेंट के रिटर्न दिए हैं वहीं लास्ट फाइव बात करें तो ऑलमोस्ट टू हंड्रेड परसेंट के रिटर्न रहे हैं। अगली कंपनी है टाटा मोटर्स अगर टाटा मोटर्स की बात करें तो इनके प्रोडक्ट्स है ऑटोमोबाइल लग्जरी व्हीकल्स कमर्शियल व्हीकल्स ऑटोमोटिव पार्ट पिकअप ट्रक्स और एसयी ये सारे इनके प्रोडक्ट्स है और रिसेंट टाइम में अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो काफी हॉट टॉपिक हो गया है तो यहां पे भी टाटा मोटर्स जो है लीड कर रहा है सब्सिडीज की बात करें तो जेगवर लैंड रोवर टाटा डेवो टाटा टेक्नोलॉजीज टाटा हिस्पेनो टाटा हिस्पेनो की बात करें तो ये स्पेन स्पेन बेस्ड कंपनी है टाटा हिटैची कंस्ट्रक्शन मशीनरी तो ये जो है ये सारी सब्सिडीज है टाटा मोटर्स की इसके अलावा टाटा मोटर्स की खुद की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काफी अच्छी होल्ड है और करेंट टाइम में अगर हम देखेंगे तो टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे बड़ा मार्केट शेयर गेन कर रखा है टाटा मोटर्स की बात करें तो लास्ट वन ईयर में थ्री हंड्रेड सिक्सटीन परसेंट के रिटर्न दिए हैं वहीं लास्ट फाइव ईयर में माइनस ट्वेंटी फाइव परसेंट के रिटर्न दिए हैं और इसका मेजर रीजन ये है

प्रोडक्ट्स है वो अक्रॉस इंडस्ट्री यूज होती है चाहे एग्रीकल्चर बात करिए एनिमल न्यूट्रिशन केमिकल्स कंस्ट्रक्शन फूड एंड न्यूट्रिशन ग्लास पावर रबर मेटल ओरल पेंट्स फार्मा इंडस्ट्री सेफ्टी सोप्स टेक्सटाइल्स लिथियम आयन और ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज में इसके प्रोडक्ट्स यूज होते हैं और अगर आप देखोगे तो रिसेंट टाइम में जो चाइना में स्पेशल केमिकल्स के ऊपर बैन हो गया है प्रोडक्शन पे तो वहां पे स्पेशल केमिकल इंडस्ट्री की बात करें तो वहां पे ये बहुत बड़ा एडवांटेज टाटा केमिकल को मिलने वाला है और एक और चीज जो डिफ्रेंशिएटिंग है टाटा केमिकल के लिए वो है ये कि लिथियम आइन की बात करें तो ये कंप्लीट रिसाइकल एंड टू एंड मैनेज करेगा यानी प्रोडक्शन से लेके उसका रिसाइकलिंग टोटल जो है टाटा केमिकल मैनेज करेगा और इसके लिए ये ऑलरेडी गुजरात में एक प्लांट सेटअप कर रहा है टाटा केमिकल टाटा मोटर और टाटा पावर इन तीनों की काफी इंपॉर्टेंट रोल है इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में और इसके ऊपर मैंने काफी अच्छा वीडियो भी बनाया था जिसको आप सर्च करके देख सकते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल रेनबीज अगर आप सर्च करोगे तो आपको पहला वीडियो मिल जाएगा इसमें मैंने जितने भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल के स्टॉक्स है आप जरूर देखिएगा ये वीडियो आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा टाटा केमिकल की बात करें तो लास्ट वन ईयर में टू के रिटर्न दिए हैं वहीं लास्ट फाइव ईयर की बात करें तो थ्री के रिटर्न दिए हैं टाटा पावर की बात करें तो टाटा पावर जो है पावर इंडस्ट्री का एक्रॉस वैल्यू चेन ये काम करता है यानी कि एनर्जी जनरेशन से लेकर ट्रांसमिशन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेडिंग फुल एंड फ्रेट लॉजिस्टिक्स सोलर मैन्युफैक्चरिंग ईपीसी लार्ज प्रोजेक्ट्स यानी जितने भी प्रोजेक्ट जितने भी पावर प्लांट्स के कंस्ट्रक्शन होते हैं उनमें भी ये इन्वॉल्व होता है इसके अलावा सोलर रूपटॉप और आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो ईवी चार्जिंग स्टेशन में ये जोर तोर से लगा हुआ है तो कहने का मतलब क्या है कहने का मतलब है कि टाटा पावर जो है पावर इंडस्ट्री के अंदर कोई भी एक फैसेट में पीछे नहीं है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम देखें तो ये टाइम में क्लीन एनर्जी से पावर जनरेशन करता है और बाई टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव सिक्सटी परसेंट ऑफ एनर्जी जो है इसकी ग्रीन एनर्जी होगी जो ई एस जी नॉम पे इसको काफी अच्छा बना देगी और टाटा ग्रुप एज अ होल ई एस जी पे काफी स्ट्रॉन्गली फोकस कर रहा है क्योंकि आने वाले टाइम में जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स है ई एस फोकस हो गए हैं और इसी में एक और स्टेप इन लोगों ने लिया है वो है चार्जिंग स्टेशन चार्जिंग स्टेशन में ये बहुत अग्रेसिवली काम कर रहे हैं और इसके लिए इन लोगों ने पेट्रोल पंप्स के साथ भी टाई अप किया है और ऑलरेडी इन लोगों ने काफी चार्जिंग स्टेशन सेटअप भी कर लिए हैं टाटा पावर की बात करें तो लास्ट वन ईयर में वन के रिटर्न दिए हैं और वहीं लास्ट फाइव ईयर में थर्टी के रिटर्न दिए हैं अगली कंपनी है टाइटन टाइटन की अगर हम बात करें तो टाइटन के बहुत ही पॉपुलर ब्रांड्स हैं सबसे ज्यादा पॉपुलर ब्रांड्स इनमें से है टाइटन वॉच खुद तनिष्क फास्ट ट्रैक सोनाटा तनेरा तनेरा जो है ये सिल्क साड़ीज और ब्रांडेड साड़ीज सेल करता है मिया मिया जो है ये आज के टाइम पे अगर आप देखोगे देखे देखेगे कि काफी सारे वुमेन जो है वो जॉब करने लगी है और इस वजह से उन लोग बहुत हेवी ज्वेलरी नहीं पहनती है डे टू डे ऑफिस जाने के लिए रैदर एक सिंपल सा पेंडेंट और गोल्ड चेन जैसी चीजें यूज करती हैं तो इसके लिए इन लोगों ने मिया बोल के ब्रांड लॉन्च किया है तो आप देख सकते हो कंपनी कितनी स्मार्ट है और कितने फ्लेक्सिबल तरीके से अलावा टाइटन आई प्लस तो देख सकते हैं, काफी वेल नोन है और इसी से ने लास्ट 15 इयर्स में काफी अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दिया अपने इन्वेस्टर्स के लिए और कंपनी जो है इसका रेवेन्यू करोड़ था ऑपरेटिंग इनकम 2,200 करोड़ और नेट इनकम ऑलमोस्ट 1500 करोड़ के आसपास की थी टाइटन की बात करें तो लास्ट वन ईयर में 61% के रिटर्न दिए हैं वहीं लास्ट फाइव ईयर में 325% के रिटर्न दिए हैं अगली कंपनी है ट्रेंड ट्रेंड की अगर हम बात करें तो ट्रेंड एक रिटेल चेन है इसके अंदर सबसे पॉपुलर जो ब्रांड्स है वो है एक वेबसाइट दूसरा है जूडियो तीसरा है स्टार और चौथा लैंडमार्क वेबसाइट की अगर हम बात करें तो 143 स्टोर्स है अक्रॉस इंडिया इन 82 सिटीज ये जो है क्लोथिंग सेगमेंट को कैटर करता है और सबसे खास बात ये है वेबसाइट की कि, कि ये सारे ब्रांड्स इन हाउस है तो इन हाउस ब्रांड्स पर प्रॉफिटेबिलिटी काफी बढ़िया हो जाती है और इस वजह से ये काफी अच्छा कर रहा है वहीं अगर जूडियो की बात करें लो कॉस्ट फोकस्ड है और इसके ट्वेंटी स्टोर्स है अक्रॉस ट्वेल्व सिटीज इन इंडिया एंड ये काफी अग्रेसिवली एक्सपेंड भी कर रहे हैं स्टार की बात करें तो स्टार जो है ये ग्रोसरी रिटेल चेन है और इसके ऑलरेडी ट्वेंटी सिक्स सुपर मार्केट्स और टेन हाइपर मार्केट्स है अक्रॉस इंडिया मोस्टली ये अभी सिटीज में है और धीरे धीरे जैसे जैसे ये एक्सपैंड करेंगे तो टायर टू सिटीज और टाउन्स में भी ये अपना फुटप्रिंट बढ़ाएंगे और चौथा है लैंडमार्क लैंडमार्क जो है ये एक बुक स्टोर की तरह स्टार्ट हुआ था और आज के टाइम पे ये फाइव इंडिपेंडेंट स्टोर्स है मोस्टली ये एपरल्स भी रखने लगे हैं और इनका जो कंसेप्ट है ये बेसिकली फैमिली के हिसाब से किया हुआ है कि फैमिली रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब मिलेंगे

ग्लोबल बेवरेज को ऐड कर दिया है और उसके बाद कंपनी का नाम रीनेम करके टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कर दिया है तो कंपनी जो है काफ़ी अच्छा कर रही है और इनके कुछ प्रोमिनेंट ब्रांड्स अगर हम देखें तो कॉफ़ी में इनके ब्रांड्स हैं टाटा कॉफ़ी मैप कॉफ़ी एट ओ क्लॉक ग्रैंड टी की बात करें तो टाटा टी टेटले वाइटैक्स टाटा पिग्स गुड अर्थ जैसे प्रोमिनेंट ब्रांड्स हैं वहीं वाटर की बात करें तो टाटा वाटर टाटा ग्लूको हिमालयन ये सबसे पॉपुलर ब्रांड्स हैं जिनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर हिमालयन ब्रांड है वहीं अगर हम फूड की बात करें तो सबसे दो पॉपुलर ब्रांड्स हैं एक टाटा सॉल्ट और एक टाटा संपन्न टाटा संपन्न की अगर हम बात करें तो टाटा संपन्न में इन लोगों ने बहुत सारे आने के प्रोडक्ट्स जैसे कि दाल दलिया पल्सेस या मसाला ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स इन लोगों ने टाटा संपन्न ब्रांड के अंडर लॉन्च कर दिया और कंपनी जो है काफी अच्छा कर रही है और आने वाले टाइम में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स से काफ़ी अच्छी एक्सपेक्टेशन आई है जिस तरीके से इनका आर ओ सी आर ओ एक्सपैंड कर रहा है टाटा कंज्यूमर की बात करें तो लास्ट वन ईयर में हंड्रेड एंड एट परसेंट के रिटर्न दिए हैं वहीं लास्ट फाइव ईयर में फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी परसेंट के आसपास दिए हैं अगली कंपनी है टीसीएस तो टीसीएस की अगर हम बात करें तो ये आई सर्विसेज कंपनी है और इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री को कैटर करती है सर्विसेज की बात करें तो ये जो एज ओल्ड सर्विसेज हुआ करती थी वो सारी सर्विसेज भी है और इसके अलावा आज की जो न्यू एज टेक्नोलॉजीज है जैसे क्लाउड है या फिर एनालिटिक्स है आईओटी है ब्लॉकचेन है एंटरप्राइज एप्लीकेशन है ऑटोमेशन एंड एआई है इस तरह के नए टेक्नोलॉजी पे भी ये सर्विसेज देना स्टार्ट कर दिया है और कंपनी जो है ओवर थर्टी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है और आप देखोगे सर्विसेज के साथ साथ अपने सर्विसेज के दम पे इन लोगों ने काफी अच्छे प्रोडक्ट्स भी बना लिए है इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि टाटा का जो टोटल मार्केट कैप है उसका सेवेंटी परसेंट के ऊपर का मार्केट कैप टीसीएस के वजह से है तो इसलिए टीसीएस कंपनी जो है टाटा ग्रुप के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई है ज की बात करें तो लास्ट वन ईयर में एट्टी फाइव परसेंट के रिटर्न दिए हैं वही लास्ट फाइव ईयर में वन सिक्सटी परसेंट के रिटर्न दिए हैं अगली कंपनी है टाटा एलेक्सी तो टाटा एलेक्सी की जब हम बात कर रहे हैं तो इसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज काफी इंटरेस्टिंग है आज के जो नए एज के टेक्नोलॉजीज है ए आई ऑटोमेटिव काफी सारे इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स है जो बेसिकली ए और एनालिटिक्स के दम पे बनाए हैं तो इनके वेबसाइट से जो मुझे समझ में आया वो ये है कि जितने भी इनके सॉफ्टवेयर्स है वो रियल लाइफ में काफी अच्छा एप्लीकेशन रखते हैं अक्रॉस

एनालिटिक्स यूज करता है और इसके वजह से ड्राइवर के जो बहुत सारे बिहेवियर होते हैं वो हमें पता चलते हैं और ये जितने भी ऑटोमोबाइल कंपनीज है उनको काफ़ी हेल्पफुल होती है एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो जैसे अगर आप ओला उबर यूज़ कर रहे हैं गूगल जो है कौन से वाले रास्ते में कितना ट्रैफिक है वो पहले ही बता देता है और उस हिसाब से आपका रूट प्लान कर देता है ओला उबर के मैप में और वहीं उसके साथ साथ आपको ये भी पता चल जाता है कि आप अपने डेस्टिने डेस्टिनेशन कितने टाइम में पहुंच जाओगे तो इसके लिए गूगल मैप जो है बहुत सारा डेटा को एनालाइज करता है ठीक उसी तरीके से ओला उबर की जो ऐप है उनमें ड्राइवर ड्राइवर के जितने भी बिहेवियर होते हैं जिस तरीके से वो ड्राइव कर रहा है ट्रैफिक के हिसाब से वो सारे बिहेवियर्स चाहे वो ब्रेक लगा रहा है या फिर स्पीड बढ़ा रहा है या स्पीड कम कर रहा है उस तरह के डेटाज को यूज करते हुए इनके टूल बने हुए हैं ए आई और ईस की बात करें तो ये बेसिकली ड्राइवर्स के जो एक्सीडेंट्स होते हैं या एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं उनको सिमुलेट करके काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से ये इन्फ्रेंसेस निकालता है जो ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आज के टाइम पे हम देखें तो टेस्ला जो है ऑटोमेटेड कार्स बना रही है और फ्यूचर में इस इस तरह के सॉफ्टवेयर जो काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं और इसी वजह से जो है टाटा एलेक्सी के सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काफ़ी हेविली अप्लाई हो रहे हैं और कंपनी जो है काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो हो रही है तो अगर आप न्यू एज टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो टाटा एलेक्सी इज वन कंपनी जो आपको डेफिनेटली रडार पे रखनी चाहिए टाटा एलेक्सी की बात करें तो लास्ट वन ईयर में टू एंड के रिटर्न दिए हैं वहीं लास्ट फाइव ईयर में टू हंड्रेड के रिटर्न दिए हैं अगली कंपनी है वोल्टास वोल्टास की अगर हम बात करें तो ये ए चाहे वो कैसेट ए हो विंडो ए हो स्प्लिट ए हो स्लिम ए हो या कमर्शियल फ्रीज हो एयर प्योरिफायर वाटर फिल्टर और वाटर कूलर तो इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं मोस्टली ये कूलिंग कूलिंग सोल्यूशन सेल करते हैं और कंपनी जो है काफी अच्छे तरीके से ग्रो हो रही है और आने वाले टाइम में टेन टू ट्वेल्व परसेंट का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इसी इंडस्ट्री में वोल्टास की बात करें तो लास्ट वन ईयर में एटी थ्री परसेंट के रिटर्न दिए हैं लास्ट फाइव ईयर में टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू परसेंट के रिटर्न दिए हैं तो अगर आप टाटा में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो और ये वीडियो को आप एडुकेशन की तरह लीजिएगा न कि कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन की तरह दैट्स ऑल फॉर टुडे अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू